सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 26 अगस्त 2019 मंडे है, सुबह के 8:13 हो रहे. फ्राइडे को आफ्टर मार्केट आवर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर का, उसमें इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से. उसमें से कुछ टॉप 10 जो पॉइंट्स थे यहाँ पर है. पहला तो था कि जो सरचार्ज लगा है LTCG और STCG टैक्स के ऊपर वो हटा दिया है, यानी FBI को थोड़ी सी राहत मिली है. दूसरा था ऑटो इंडस्ट्री के लिए सेवरल मेजर्स लिए जाएंगे, अभी तक उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं है. GST कट होगा या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कुछ डिसीजन होगा, और पेट्रोल और डीजल की कारें अभी भी चालू रहेंगी ऐसा कहा गया है, लेकिन क्लियर डिक्लेरेशन नहीं है. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसके बारे में अभी भी बात चालू है, नेक्स्ट वीक फिर से एक बार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ सकता है. तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्री के रिफॉर्म्स को लेकर है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, कोई परमानेंट डिक्लेरेशन नहीं है. थर्ड पॉइंट है विल रिलीज ₹70,000 करोड़ PSU बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए. ये न्यूज सेम 2-3 महीने पहले आया था, लेकिन अभी तक बैंकों के पास ये पैसा आया नहीं है. पैसा आने के बाद रिफॉर्म शुरू होगा, ग्रोथ शुरू होगी, तो इसमें काफी टाइम लगेगा. लेकिन ये न्यूज आने के बाद एक पॉजिटिविटी क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है. लेकिन अगर एक इसे अलग एंगल से देखें तो ये एक फर्स्ट एड बॉक्स जैसा ट्रीटमेंट है. पेशेंट जब भी आता है तभी उसके ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है वो ठीक होने के लिए. तो धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रीटमेंट जो शुरू होती है उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर होता है. तो इसी तरह से यही कुछ है. अभी भी ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेड वॉर का टेंशन बना हुआ है वो दिन ब दिन थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो भी थोड़ा कम कर दिया. तो ग्लोबल मार्केट्स में जो रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी उसे फुलफिल करने के लिए हमें रेडी रहना होगा, इंडस्ट्री को उसी तरह से प्रिपेयर करना होगा, और उसके लिए बूस्टर डोज बार बार इंडस्ट्री के लिए देना पड़ेगा. तो ये है फ्राइडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा रिव्यू. चलते हैं फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली, सबसे पहले रिव्यू करेंगे और फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे और इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 23 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,767 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,717. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुआ और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसी के पास एग्जैक्ट ओपन हुआ. तो इनिशियल यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजिशन नहीं बनता क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ही ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो हमारा मार्केट टर्न हुआ, रिवर्स हुआ और ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट जो 10,788 था ये अचीव हुआ, और उसके बाद सेकंड टारगेट 10,815 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. डाउ जोन्स करीब 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी लाल निशान में बंद हुए थे. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. निक्केई जापानीज मार्केट 462 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर 179 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि SGX निफ्टी अभी 63 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में तो प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है और SGX निफ्टी में अभी फिलहाल 63 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे एक बार फिर से. यह वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का,
जैसे कि हम पास्ट ये वीडियो से कहते आ रहे हैं, ये अभी 50 ईएमए का ये जो मिड टर्म मूविंग एवरेज है और ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 100 ईएमए का, इसके बीच में ये ट्रैप हो चुका है। ऊपर इसका रेजिस्टेंस ले रहा है 11,200 के पास और नीचे 10,770 के पास ये 100 ईएमए बना हुआ है। पास्ट में अगर आप देखें ये वीकली चार्ट में, तो जब यहाँ से ये फॉल आया था तो फर्स्ट टाइम इसने 100 ईएमए का सपोर्ट टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक हुआ, 50 ईएमए का ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ये 100 ईएमए का सपोर्ट टेस्ट करने आया और फिर इसने बाउंस बैक दिखाया। तो सेम अभी यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, अभी देखना होगा ऐसा होता है या नहीं, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जाएगा। ये पैटर्न हमने एनालाइज किया था पास्ट में, अभी हो सकता है उसको रिपीट करे या रिपीट ना भी करे। ये फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ये 50 ईएमए का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से अभी साउथ की तरफ ये मूव हुआ है। तो यहाँ पर इसने ये लेवल को काफी पेनेट्रेट किया 100 ईएमए को और अभी यहाँ पर ये सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं 100 ईएमए के ऊपर आके फिर से ये लगातार, ये फोर्थ वीक है, इसके ऊपर ये क्लोज हो पा रहा है, इसके नीचे ये क्लोज नहीं दे रहा है, यानी इसके नीचे बेयर्स का कंट्रोल यहाँ से छूट रहा है, बुल्स फिर से एक बार हावी हो रहा है बेयर्स के ऊपर। और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, उसका 61.8% का ये जो लेवल है 10,806, ये यहाँ पर अभी भी बरकरार है। एज पर वीकली चार्ट इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जो न्यूज आई है उसके ऊपर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसे फिर से अपसाइड मूव दिखाना है तो अपसाइड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर यानी क्या, ये जो मूविंग एवरेजेस है 20, 50, 100, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए और इसके ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होना बहुत जरूरी है। तो हमें यहाँ से अपसाइड स्ट्रक्चर दिखेगा और कंफर्मेशन मिलेगा कि फिर से यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है, वरना अभी भी यहाँ पर ये प्रेशर बना हुआ है, ये तीनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करने का सिचुएशन है लॉन्ग जाने के लिए। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी ये क्लोजिंग बार रिवर्सल पैटर्न बना है। इसका मतलब क्या है, ये जब डाउन ट्रेंड में आता है तभी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बनता है और उसका जो क्लोज रहता है वो प्रीवियस कैंडल का, ये जो बियरिश कैंडल है इसका ये जो बॉडी का हाफ पोर्शन है उसके ऊपर आके ये क्लोज होता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता है। अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये जो इसका बॉडी है प्रीवियस बियरिश कैंडल स्टिक का, इसका हाफ जो पोर्शन था ये यहाँ पर हाफ पोर्शन बनेगा, इसके ऊपर आकर इसने क्लोज दिया। तो ये क्लोजिंग बार रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से अगर अपसाइड मूव आता है तो इमीडिएट फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, ये जो 20 ईएमए को हमने पास्ट में देखा, दो बार इसने यहाँ पर डेली चार्ट में रेजिस्टेंस फेस किया, तो अभी फिर से हो सकता है ये इसका रेजिस्टेंस फेस करे जो कि अराउंड अभी 11,050 के पास है 20 ईएमए। तो ये फर्स्ट ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और वो नीचे वीकली चार्ट में जैसे कि हमने देखा 100 ईएमए अराउंड 10,770 के पास है तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसको भी अगर ब्रेक करता है 10,770 को, तो यहाँ पर पास्ट में कंसोलिडेशन फेस था इलेक्शंस के पहले, तो इसका ये जो लोअर बैंड है ये 10,567 के पास आ रहा है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर ये 10,770 का 100 ईएमए ब्रेक होता है तो ये है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी के लिए। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्राइडे को यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल स्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ था, क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है। नेक्स्ट आर का ये जो बुलिश कैंडल स्टिक बना था ये कन्फर्मेशन था और इसका हाई जब ब्रेक किया तो यहाँ से जबरदस्त और ऊपर में 100 पॉइंट्स की अप्रॉक्स मूव देखने को मिली। तो यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू भी हमें बुलिश सिग्नल और बियरिश सिग्नल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए अगर ऊपर निफ्टी अगर मूव होता है तो ये जो स्विंग हाई छोटा सा बनाया था पास्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर से यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, तो 10,865 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, हो सकता है गैप अप ओपन भी हो, अगर नहीं हुआ और 10,865 को इसने कंफर्टेबली क्रॉस किया, सस्टेन किया इसके ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर
बाय पोजीशन बना सकते हो और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,899, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो ब्लू लाइन है यानी 10,922.50 EMA, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बाय पोजीशन के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लो है, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है लास्ट, इसका जो लो है अराउंड 10,799, ये अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 10,776 है और सेकेंड टारगेट होगा ये 10,740। ये थर्सडे का एक्सपायरी डे का ये क्लोज था 10,740, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के इंट्राडे लेवल्स। अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करना होगा 50 EMA के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है तभी बाय हम कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो, वरना ये लेवल्स है 10,865, इसको अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही बाय करें। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इसी यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।